नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के बंसल, न्यूरोसर्जन नारायणा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क, जैसा कि आपको विदित है, ये बहुत ही सामान्य बीमारी है, आजकल बहुत सारे युवाओं में मिलती है। इसका कारण बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि आजकल की लाइफस्टाइल चेंज होना, ज़्यादातर बैठे रहना और सामान उठाना और एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब चीज़ें मिला के बैक में बैक पेन हो जाना, फिर बैक पेन होने के बाद में स्लिप डिस्क हो जाना बहुत कॉमन देखने को मिलती है। अगर आज हम ओपीडी में एक दिन में 25 मरीज़ देखते हैं तो उनमें से कम 8 से 10 मरीज़ बैकएक के मिलेंगे आपको। और बैकएक जो है ये बिल्कुल बढ़ती हुई समस्या है। पुराने समय में हम लोग देखते थे कि बुढ़ापे में ये समस्या होती थी, पर लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये जवानों में भी और यंग एज में भी काफ़ी कॉमन देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं अपन कि स्लिप डिस्क कैसे होती है, स्लिप डिस्क क्या चीज़ है। आप ये समझें कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 हड्डियाँ होती हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। उन हड्डियों को बीच में एक वॉशर की तरह सॉफ्ट गद्दी टाइप, गद्दी नुमा चीज़ होती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। वो पूरे के पूरे 33 जॉइंट में ऊपर से लेकर नीचे तक 33 डिस्क होती हैं। तो हमारी जो बीच का हिस्सा है जिसको हम L1 से L5 लंबर रीजन बोलते हैं या कमर का एरिया बोलते हैं नीचे का, उसमें कोई सपोर्ट नहीं है इधर उधर का। तो ऊपर तक तो चेस्ट है जिसमें 1 से 12 तक की हड्डियां होती हैं, फिर नीचे ये हैं। तो जो लंबर वाली हड्डी हैं उस पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है हमारे शरीर का। ये मोटे आदमियों में या जो वज़न उठाने का काम करते हैं, लेबरर हैं, या जो उल्टा सीधा बैठ जाना, कहीं से भी कैसे भी सामान उठा लिया, बिस्तर से कैसे भी खड़े हो गए, तो ये सब चीज़ें मिला के ये चीज़ें स्लिप डिस्क को पैदा करती हैं। तो जो ये दो हड्डियां हैं उनके बीच में जो गद्दी होती है, ये गद्दी जो है ये इसको एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। जब हम चलते हैं तो ये गद्दी इसको शॉक से बचाती है। इसके अंदर करीब 80 से 90% पानी होता है और बाकी प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, और ये बाहर की तरफ हार्ड होती है, अंदर की तरफ सॉफ्ट होती है जो कि जेल नुमा होती है, जो जिसमें 90% से ज़्यादा पानी होता है। तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। और ये जो डिस्क, जो अपनी हड्डियाँ हैं ऊपर नीचे ये जुड़ी हुई हैं, इनमें साइड से नसें निकलती हैं जो कि आपको पूरे शरीर को करंट लेके जाती हैं और सेंसेशन लेके जाती हैं, और जैसे मसल हम चला रहे हैं, पैर मोड़ रहे हैं, ये सब काम करती हैं वो। इन सब का ब्रेन से करंट लेके जाने का काम है। तो ये जैसे ही वो डिस्क हिली, ये इसके साइड से नस निकल रही है, जैसे ही वो जेल नुमा जो चीज़ है वो जैसे ही आपको वजन उठाया या आप टेढ़े मेढ़े झुकते हैं तो धीरे 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 माइक्रो इंजरीज होती हैं, हल्की 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 लंबे समय से होती रहती हैं, और फिर वो जो है जेल नुमा चीज़ है वो बाहर निकल जाती है। वो जब बाहर निकल गई है तो वो नस को दबाना शुरू करती है, तो फिर पाँव में दर्द आना शुरू हो जाता है, किसी के राइट में, किसी के लेफ्ट में। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मेरे L4-5 डिस्क है, तो वो ये L4-5 एक बहुत कॉमन लोकेशन है जहाँ पे डिस्क निकलती है। डिस्क तो जैसे कि मैंने बताया ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी में होती है हमारे, पर ये डिस्क क्योंकि 5 वाला पोर्शन है वो नीचे जाके ये हमारी जो कुल्ले की हड्डी है उससे जुड़ जाता है, तो वो एक तरह से फिक्स होता है और ऊपर का हिस्सा फ्री है। तो वो मूवमेंट की वजह से वहाँ की डिस्क निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए L4-5 डिस्क बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और वो जब नस को दबाती है तो पैर में तरंग उठना, या जिसको गांव में रींगण भाव बोलते हैं, या जैसे बोलते हैं कि रीढ़ चलती है, इस तरह से पैर में नीचे छोटी उंगली में या अंगूठे में दर्द जाना, जब ये दर्द जाना शुरू हो जाए तभी आदमी को जाग जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर नहीं तो फिर उसके बाद में पैर में सूनापन आ जाना, झंझनाहट होते रहना, और कमर में दर्द होना, और कभी कभी तो पैर में लकवा भी मार सकता है इस नस से। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्क निकल गई है, किसी ने एकदम से वज़न उठा लिया तो वो एक साथ डिस्क निकल जाती है, निकल के डिस्क एकदम से और नसों को दबाती है ज़बरदस्त। जैसे वो दबाती है तो उसी नस में बगल से ही हमारे पेशाब की नस और लैट्रिन की नस भी बगल से ही जाती है। तो बहुत सारे लोगों में ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेशाब में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशाब करने गए तो उतरा नहीं, जोर मारना पड़ा, या पेशाब कपड़ों में निकल गया। जब ये स्थिति आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति होती है, क्योंकि उसका ऑपरेशन के बाद भी आराम आने की संभावना कम होती है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके ऑपरेशन कराया जाए। और ये हम कैसे पता लगाएं कि आपको स्लिप डिस्क है, तो इसके लिए एक ही टेस्ट है, MRI कराई जाती है।
एमआरआई में क्लियर पता चल जाता है कि डिस्क कौन सी निकली हुई है और कितनी निकली हुई है और कितनी नस को दबा रही है, क्या उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है या दवा से काम हो जाएगा। तो इसके इलाज में सबसे पहले है कि अगर आपको डिस्क बहुत ज़्यादा नहीं निकली है तो अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं ताकि ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़े। और अगर डिस्क ज़्यादा निकली हुई तो आजकल हम दूरबीन विधि से निकालते हैं, सुबह भर्ती करके ऑपरेशन करते हैं, शाम को चला देते हैं और अगले दिन हम छुट्टी कर देते हैं। कुछ ऐसे जो मरीज होते हैं जिनको हम सेम डे भी छुट्टी कर सकते हैं दूरबीन की विधि से निकालने के बाद में, डिस्क का ऑपरेशन करने के बाद में। बहुत सारे लोगों के सवाल ये रहते हैं कि जब डिस्क आपने निकाल दी तो उसमें क्या डालते हैं। उसमें डालने के लिए हमारे पास टाइटेनियम का ग्राफ्ट भी होता है और पीक ग्राफ्ट भी आता है, और ज़्यादातर केसेस में हम कुछ नहीं डालते हैं क्योंकि वो डिस्क तो अपनी जगह छोड़ ही चुकी है, तो उसमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है 90% केसेस में। तो बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कि मूवमेंट डिसऑर्डर होता है साथ में, मतलब हड्डी हिल रही होती है, तो उसमें हमें फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ऊपर और नीचे की डिस्क बाद में भविष्य में ना हिले और ना प्रॉब्लम करे। तो ये जो स्लिप डिस्क है इसको तुरंत पहचाने। अगर कमर में दर्द है, पैरों में दर्द जा रहा हो, सूनापन आ रहा हो, झंझनाहट आ रही हो और पैर में अंगूठा उठाने में दिक्कत हो रही हो, लकवा हो रहा हो, पेशाब में प्रॉब्लम आ रही हो, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और न्यूरोसर्जन से संपर्क करें ताकि MRI कराई जा सके और उसका विधिवत इलाज किया जा सके। ऐसे में ज़्यादातर लोग न्यूरोसर्जन के पास जाने से डरते हैं, वो फिजिशियन के पास जाएंगे या हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर पेशेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि डिस्क जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा निकली हो, हल्की फुल्की भी हो सकती है, दवाओं से भी ठीक हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला, आप जीवन शैली में बदलाव ला के भी उसको वहीं रोक सकते हैं, बेड रेस्ट से भी रोक सकते हैं, फिजियोथेरेपी से भी रोक सकते हैं, तो बहुत सारे उसमें तरीके हैं जिनसे हम उनको रोक सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन हो, तो इसलिए न्यूरोसर्जन के पास जाने से ना डरें और MRI करा के तुरंत जाँच करवा के इसका आगे का विधिवत इलाज करवाएं।